दोस्तों आज का जो प्लान है 25x28 में आपको मिलेगा। ये टोटल गांव का प्लान है। अगर आपके पास बजट कम है, लो बजट में आप मकान बना रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ही प्लान बनाया है मैंने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस प्लान को डिजाइन किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। कोई नक्शा बनवाना है तो नंबर मेरा स्क्रीन पर हो रहा होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, पहले मकान की बात करें तो मकान को यहाँ पे 2 फीट ऊपर रखा गया है। आप 2 फीट 3 फीट कुर्सी कम से कम रखें, थोड़ा मकान खूबसूरत दिखेगा दोस्तों। इसका कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रंट में बरामदा मिलेगा। ये आपके जो कॉलम्स है 8 फीट हाइट पर कास्टिंग किए गए हैं। उसके बाद ये खिड़की का जो छज्जा है ये चारों साइड हमने दिया है। छज्जे की अगर बात करें तो 1 फीट 2 इंच आपका छज्जा चारों साइड रहेगा। ठीक है, 8 फीट 2 इंच रहेगा, जिसमें से 1 फीट ये छत जो है यहाँ पे जो बरामदे की जो छत है ये 1 फीट डाउन किया है दोस्तों। ठीक है, ये चारों साइड आप इस तरीके से छज्जा दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस प्लान को डिजाइन किया है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे रेलिंग की बात करें तो रेलिंग हमने 3 फीट ऊपर रखा है स्लैब से, और चारों साइड हमने स्लैब में 5-5 इंची चारों साइड इस तरीके से डिजाइन निकाल दिया है। और ऊपर रेलिंग में इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रिल का यूजेस किया है। इस डिजाइन की बात करें तो 1 फीट ये पिलर ईंट से बनाया गया, बाकी ग्रिल का यूज यहाँ पे किया है दोस्तों। ठीक है, ममटी की बात करें तो इस तरीके से आपको ममटी मिल जाएगा। ममटी आपका जो है इस चारों साइड 1 फीट छज्जा इस तरीके से दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये पूरा एलिवेशन हो गया है। अंदर की डिटेल आपको समझाते हैं। अंदर का डिटेल में आपको इस तरीके से स्लैब हटा देते हैं और आपको समझाते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप एंट्री करेंगे, यहाँ से आप मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आपको बरामदा एरिया इस तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही बरामदे में ही आपको एक गेस्ट रूम दिया गया है। इसका दरवाजा अंदर से मतलब बरामदे से दिए ताकि कोई गेस्ट वगैरह बाहर से बाहर जा सके। अगर एक दरवाजा अगर आपको अंदर भी लगाना है तो आप यहाँ पे एक दरवाजा लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद ये आपको बड़ा सा हॉल एरिया मिलता है, इसका साइजेस भी मैं बताऊंगा, भी पूरा वीडियो अंत तक देखें दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको जब हॉल में एंट्री करेंगे तो ये आपका किचन, ये सीढ़ी आपको इस तरीके से मिल जाएगा। इस साइड एक आपको दूसरा बेडरूम, यहाँ पे एक टॉयलेट बाथरूम बीच में मिला है। अगर आपको टॉयलेट बाथरूम नहीं चाहिए, ओनली बाथरूम चाहिए, तो आप बाथरूम बना सकते हैं, या फिर अगर दोनों नहीं चाहिए, टॉयलेट और बाथरूम दोनों नहीं चाहिए, तो आप इस रूम को बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं साइजेस आपको समझाते हैं किस तरीके से। सबसे पहले बात कर लेते हैं बरामदे का जो साइज है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बरामदे का जो साइज रखा गया 5 फीट 10 इंच में इस तरीके से आपका रखा गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपका 5 फीट 10 इंच में आपका बरामदे का साइज चौड़ाई में रखा गया है। और लंबाई की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपकी लंबाई जो है इस तरीके से आपकी हो जाएगी। ये यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेकर 11 फीट 5 फीट 10 इंच × 11 फीट 10 इंच का आपको बरामदे का साइज मिलता है। इसके बाद ये आपको पीछे साइड में आपको 10x12 मतलब सॉरी ये 12 फीट हो गया, 10 फीट × 12 फीट है कि 11 फीट है, हाँ ठीक है 11x12 का आपको ये बेडरूम मिलता है। ये गेस्ट रूम जो है 11x12 का है। ठीक है, इसके बाद ये आपका जो हॉल है 11 फीट 10 इंच, क्योंकि बरामदे का साइज की चौड़ाई है 11 फीट 10 इंच है। ठीक है, लंबाई की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लेंथ आपको बताते हैं। ठीक है, ये आपका 10 फीट 2 इंच के आसपास है, 10 फीट 2 इंच × 11 फीट 10 इंच का, जो कि पर्याप्त है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। टॉयलेट बाथरूम की अगर साइज की बात करें तो 3.5x8 में आपका टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। ये वाला बेडरूम आपका 11x12 का ये भी बेडरूम आपका बनाया गया दोस्तों। ठीक है, ये भी 11x12 का आपका बेडरूम रहेगा। अब किचन की अगर यहाँ पर बात किया जाए तो किचन आप देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर रीडिंग थोड़ी गलत ले लिया है, 5 फीट समथिंग है ये आपका किचन, 5 फीट 2 इंच 5 फीट 1 इंच × 7 फीट में आपका किचन बनाया गया। सीढ़ी की बात करें, सीढ़ी का जो विड्थ रखा है 2.5 फीट में रखा है, ऊंचाई जो है 7 इंच ऊंचाई 10 इंच त्रिड़ा, और ये 10 फीट लंबाई में लिए गए दोस्तों। इस तरीके से बीच में 5 इंची आपका गैप रहेगा, 5 फीट 7 इंच सीढ़ी की चौड़ाई टोटल बनाई गई दोस्तों। तो ये पूरा प्लान है। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो इस तरीके से आपको ये पूरा फर्स्ट फ्लोर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये था पूरा प्लान का डिटेल। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो चैनल सब प्यारा सपोर्ट जरूर बनाए दोस्तों। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेकिन तकलीफ दे लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।